हालेलुया। अपनी हाथों को बंद करें सब जन, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए है, सब जन अपने हाथ को उठाते हुए धन्यवाद करें खुदावंत का आज की आराधना के लिए, आज की वर्षिप के लिए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, उसके पवित्र हाथों में दें अपने आप को, और खुदावंत से इस सामर्थ को, इस ताकत को मांगे कि खुदावंत मैं आज के दिन खुदावंत रूह और सच्चाई के साथ, खुदावंत आज की शाम खुदावंत रूह और सच्चाई के साथ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपके जीवित नाम की मैं महिमा कर सकूं, आपके जीवित नाम की मैं स्तुति कर सकूं। खुदावंत मुझे बल दे, मुझे ताकत दे, मुझे सामर्थ्य दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करते हुए सब जन प्रार्थना मांगे, और आज की वर्षिप के लिए, आज की खुदावंत की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदावंत के रूह से भरकर हम खुदावंत के जीवित नाम को महिमा दे सकें। अपनी आंखों को बंद करते हुए सब जन प्रार्थना में जाएं और जोर से तारीफ करें खुदावंत की, जोर से तारीफ करें आज की शाम के लिए, आज की आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जोर से तारीफ करें। और सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, वर्षिप में जाएंगे। मैं तेरे डाल हाँ, कि मैं तेरे
तेरे गांव
तेरे उदय आ डरना कोई, तू जग ना खड़ा।
Oh,
आत्मा में गुणगान कर अपने स्थानों पे खड़े होकर Thank you.
आज मैं आपको बताने के लिए आ रहा हूँ, रोजा किस चीज के लिए जरूरी है।
क्यों रखना जरूरी। हालेलुया। अगर आप सही और आत्मा में रोजा रखोगे वो आपके लिए फलदार है, वो आपके लिए फ्रूटफुल है और आशीष से भरा हुआ है। हालेलुया। अगर आप शरीर फास्टिंग करते सिर्फ तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामों के लिए कि मैं पास हो जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा फलाना फलाना काम बन जाए। आर भाई को बता दिया मत्ती के अंजील 6 अध्याय उसके 16 वचन को हम देखने क्या बता दिया कि आपका फास्टिंग कैसा और प्रभु को कैसा रोजा चाहिए, एक फलदार रोजा, एक फलदार फास्टिंग कैसी होनी चाहिए। और जो फल से भरी हुई नहीं उसको भी हम पढ़ेंगे। आपने पढ़ रहे हैं मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसका 16 वचन। जब तुम उपवास करो तो कपियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उपवासी जाएं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। कहता तू किसी दिखावे के लिए मेहनत ना कर, फास्टिंग ना कर, रोजा ना रख, जो अपने स्वार्थ के लिए, जो दिखावे के लिए, जो सिर्फ अपने शरीर अपनी लाशों को पूरा करने के लिए रोजे विच जाते हैं, वो पहले ही अपना प्रतिफल पा चुके हैं। पर जो प्रभु को दिखाने के लिए जो गुप्त के विच है फास्टिंग कर दे, रोजा रख दे, वो गुप्त परमेश्वर तुम्हारी गुप्त प्रार्थनावां और रोजे को देख के तुम्हारी पूर्ण चीजों का प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब अति शायर देखते हैं 58 अध्याय से लेकर उसके 6-10 देखते हैं, उस जगह पर लिखा मैंने रोजा किस तरीके का पसंद है। और यदि ऊपरली आयतें देखो तो फिर तुम्हारा इतना वचन परमेश्वर याद कर रहा है। उसे क्रोध बारे से तो कितनी बात की थी, उसे क्रोध आ रहा था, सिरोजा रखे झगड़े कर रहे हो, रोजे रखे किसी किसी से नाल गुस्से से नाल बोल रहे हो, पर जो थी जिशा 58 उधर 6-10 वचन तक पढ़ते, बाइबल एक अच्छे और सच्चे और स्पिरिचुअल और प्रभु जो पसंद है उस रोजे के बारे में बात करते हैं। उस रोजे के बीच तरह तरह की हेल्थ दशियां होनी है, तुझे रोजे रख के दुखियां छुड़ाना है, पराकाम करना है, बहुत सारे अजे काम दसते होंगे जिहड़ा आज की फास्टिंग दे विच नहीं। सिर्फ अगर रखना है कोई तो उस स्वार्थ के लिए रखना है, पर जिहड़ा सच्चा और स्पिरिचुअल फास्टिंग है जदों असीं ओ चीज़ नूं परमेश्वर दे सामने रख
फल लेके आती है। हालेलुया। सही रोजा साडी लाइफ दे विच केड़ी चीजां नु उत्पन्न करदा है? सही रोजा साडी लाइफ दे विच केड़ी चीज लेके आंदा है? मैं तुहानु पटकता आज नहीं दवां, पर उन्हां चीजां नु कारण दसदा जिहड़ी चीजां साडी लाइफ दे विच उत्पन्न हुंदियां ने रोजा रखण तों बाद। और तुसी अपनी सेवा, अपना अपना विश्वासीपन, अपना धर्मीपन तुसी प्रकट करदे हो लोकां सामने। हालेलुया। और ओ विश्वासीपन, ओ सेवा एक प्रभावशाली हुंदी है जदे सही रोजे दे विच, एक सही फास्टिंग दे विच अपने अपनी लाइफ नूं लेके जांदे हन। हालेलुया। मैं ही कहां रोजे रखण दे नाल तुसी चंगे हो गए, या रोजे रखण दे नाल आ आ तुहानूं बरकतां मिलणगीआं, तुहाडे काम पास जाण। पर आज जो मैं दर्शन लिए जा रहा हूं, रोजा रखण दे नाल तुहानूं केड़ी चीजां दा फायदा होया है, और जदों तुसी उहनां चीजां नूं अपनी जिंदगी दे विच अनुभव करोगे, अपनी संपूर्ण सेवा अच्छी रीति दे नाल, प्रभावशाली सेवा अच्छी रीति दे नाल कर पाओ यीशु मसीह दे सामर्थ और पवित्र नाम दे विच। हालेलुया। पहले पॉइंट को हम लिखेंगे, रोजा जब हम रखते हमारी लाइफ में एक कंट्रोल आता है, हमें कंट्रोल में जीना सिखाता है रोजा। क्योंकि किसी ने फास्टिंग में रखा हो उसे याद हो कि मैंने फास्टिंग की है, अब मैंने गलत नहीं बोलना जुबान पे कंट्रोल, अब मैंने गलत नहीं सुनना कानों पे कंट्रोल, अब मैंने गंदा नहीं देखना आंखों में भी क्या कंट्रोल हो, अब मैंने उस व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति की संगत नहीं करनी, क्योंकि मैं रोजा रख के बैठा हूं, मैं फास्टिंग में हूं। हालेलुया। यानी कि हमारे शारीरिक अंगों को फास्टिंग जो है कंट्रोल करती है, हमारी आंखों, हमारे कानों को, हमारी जुबान को, हमारे हमारे पांव को, हमारे हाथों को, हमारे विचारों को, हमारे हार्ट को कंट्रोल में रखती है फास्टिंग, जब हम रूह और सच्चाई के साथ उसे करते हैं। हालेलुया। कितने जन पहले पॉइंट को समझे? दूसरा पॉइंट, रोजा हमें प्रार्थना की ओर आकर्षित करता है। जब हमने फास्टिंग की हो हमें पता होता है हम रोजे में, और हमारे दिल में ये चीज आती है कि हाँ अब मैं रोजे में हूं प्रार्थना कर लूं। समझ आ रही है मेरी बात कि मैं रोजे में हूं, और आपको ये चीजें बार बार होंगी, आपने करनी है या नहीं करनी वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिस दिन आपने रोजा रखा होगा या रात का रखा होगा या दिन का रखा होगा, आपको ये चीज जरूर होगी कि चल तूने आज रोजा रखा है तू प्रार्थना में जा। हालेलुया। और तीसरी बात है, रोजा हमें प्रभु के नजदीक लेकर जाता है, प्रभु के साथ जोड़ता है। क्योंकि हम अगर अगर हमारी जिंदगी में हम ये सोचते हैं हमने रोजा रखा है, हाथों में भी कंट्रोल आ गया, जुबान पे भी कंट्रोल आ गया, हर चीज पे कंट्रोल आ गया, अब हम कंट्रोल में लाइफ जी रहे हैं, और रोजे हमें आकर्षित कर रहा है कि हम प्रार्थना करें। हालेलुया। और प्रार्थना जब हम करेंगे, हम अपने दिल की बातें प्रभु से करेंगे, जब हम उस शब्दों को बोलेंगे जो हम प्रार्थना में कह रहे हैं, जो वचन को लेकर कह रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में दुख है, जो प्रॉब्लम्स है, जब हम उसको कहेंगे, हमारी प्रभु के साथ गहरा संबंध बन जाएगा, हमारा गहरा रिलेशनशिप होगा परमेश्वर के साथ। अगर गहरे एक रिश्ते में हम होंगे
सारापन हमारी लाइफ में होगा, हमारी सेवा भी कंप्लीट होगी, हमारा स्पिरिचुअल पन भी प्रॉपर रहेगा। हालेलुया। और हम प्रभु के ज्यादा करीब जाएंगे और प्रभु से वो गहरे भेद लेंगे जो हमसे छिपे हुए हैं। जब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, हमें रोजे में बहुत सा समय प्रभु के साथ बिताने का समय होता है, क्योंकि अगर फास्टिंग ना रखी हो आप कोई चीज आकर्षण नहीं करेंगे, लेकिन जब आपने फास्टिंग किया होगा आप ज्यादातर प्रार्थना में रहोगे, ज्यादातर अच्छी बातें करोगे, ज्यादातर लोगों को वचन बताओगे। इसलिए रोजा जो है हमारी जिंदगी में ये चीजों को उत्पन्न करता है। तो अगर इन चीजों को चार पॉइंट को आप मिलाओ, आप देखो, तो ये आपके लिए एक अच्छी नींव को क्या करता है, उत्पन्न करता है, एक अच्छी नींव बनाता है, मजबूत नींव बनाता है। और जब किसी भी घर की एक अच्छी नींव हो, मजबूत नींव हो, वो अंत तक टिका रहता है, वो कई समय तक टिका रहता है, क्योंकि मजबूती के ऊपर सब कुछ क्या है। हालेलुया। पांचवा पॉइंट आप देखो, तो जब भी नबियों ने, बाइबल के स्टार्स ने रोजा रखा, किसी मकसद के लिए रखा, रोजा हमारे मकसद को पूरा करवाने के लिए हमारी सहायता करता है, क्योंकि रोजे में ही है जो हम प्रभु के साथ समा गुजार सकते हैं। जब हर रिश्ते में हम समा गुजारने लगे, हर रिश्ता एक समय से हर समय के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए, तो वो चीजें हमारी लाइफ में एक मकसद को लेकर आती है। अगर वो मकसद प्रभु की महिमा के लिए हो, तो अगर मूसा ने 40 दिन 40 रात रोजे रखे वो मकसद के लिए गया था कि मैं अपने लोगों को वो चीजें लेकर दूंगा, वो आज्ञाएं प्रभु से मांगूंगा, वो आज्ञाएं प्रभु से लेकर आऊंगा, जो आज्ञाएं मेरे लोगों को आगे लेकर जाएगी, जो हुक्म मेरे लोगों को आगे लेकर जाएगी। अगर ऐसा ने रोजे रखे, उसने मसीह कौम को, यहूदी कौम को, मसीह के लोगों को बचाने के लिए फास्टिंग की और प्रभु के गहरे संबंध में जाकर के फास्टिंग की। जब हम अपने परिवारों की, अपने लोगों की, अपने आप की आजादी चाहते हैं, तो एक संबंध में जाकर, एक गहराई में जाकर परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखना है ये चीज को, क्या मैं सही चीज कर रहा हूं, ये चीजें मेरी जिंदगी में मेरी फास्टिंग उत्पन्न कर रही है, मेरा रोजा इन चीजों को उत्पन्न कर रहा है, क्या मैं रोजे में प्रभु के करीब जा रहा हूं, रोजे में मैं अपने हाथों में, पांव में, अपनी आंखों में कंट्रोल कर पा रहा हूं, क्या प्रभु के साथ मैं जुड़ा हुआ, क्या प्रभु के साथ ज्यादातर मैं समय में। अगर ये चीजें आपके रोजे में हो, तो ये आपको प्रतिफल फल आपकी लाइफ फ्रूटफुल कर देगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में ताली करो, जोर से बजाओ, जोर से ताली करो। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज है, ये रोजे में ताकत है। पहले संबंध तो जोड़ दो प्रभु के साथ, पहले रिश्ता तो बना लो प्रभु के साथ, पहले अपने शरीर का अभिलाषा के ऊपर कंट्रोल तो कर लो, जो प्रभु चाहता है वो तो कर लो,
रोजा रख के भी आप दूसरे से बैर रख रहे हैं, दूसरे की भलाई के बारे सोच ही नहीं रहे, रोजा रख के भी आप बुरी चीजें कर रहे हैं। पहले देखो कि प्रभु को क्या पसंद है और क्या चीजें नहीं पसंद। अगर उसको आपकी फास्टिंग पसंद है तो उसकी पसंद में आपकी आशीष जुड़ी हुई। अगर आपने अपने रोजे में उसे प्रसन्न किया, आपको जाहिर सी बात है आपको आजादी दी जाएगी। हालेलुया। आपको उन चीजों से नवाजा जाएगा जो चीजें आपके दिल में। हालेलुया। आप अपने आप को त्यागे मान दो, आप बुद्धिमान मान दो। जब किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं आप जगदम्बे पैसा मान पाते हैं, पैसा मुझे चाहिए, आप उसके लिए बातें करते हो, रिलेशनशिप जोड़ते हो, उसकी तारीफ करते हो। हाँ यार, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, ये रोजा अगर नौकरी ना मिली तो मैं रखने बंद कर दूं, ये 40 रोजे अगर मेरी शादी ना हो तो मैं चर्च नहीं आऊंगा, आज के बाद रोजा नहीं रखूंगा। अगर आप अपने शरीर में फास्टिंग करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए फास्टिंग करेंगे, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप अपनी शक्ल को भी बिगाड़ रहे हैं, आप कमजोर भी रहेंगे, शक्ल को भी बिगाड़ लेंगे और लोग आपको पूछेंगे क्या हुआ रोजे रखने से। भाई लिखा जा दिया ये तो प्रभु यीशु मसीह रोजे उठ गया। बाइबल दासी ये मंदिर चार आ रहा है, पहले वचन में जो हम पढ़ते हैं उस जगह पे लिखा प्रभु आत्मा दे विच होके उजाड़ विच गया। 40 दिन में रोजे विच 40 दिन और 40 रात रोजे रखे आत्मा दे विच और आत्मा की अगवाई विच आत्मा नाल परिपूर्ण होके। हालेलुया। और जिस दिन वापस आया, जिस दिन फांसी से उठा वापस आया, शैतान को हराया, लोगों को बचाया, लोगों को चंगा किया, लोगों को आजाद किया, कई लोगों के छुटकारे का कारण बना, और हर जाति के लिए, हर कौम के लिए, इस संसार के लिए अपने लहू को बहाया और उनको छुटाया। जब आत्मा में भर कर आत्मा की अगुवाही के साथ आप रोजे में जाओगे, जिस दिन उठोगे आपका रिजल्ट, आपके मिरेकल्स आपके पास होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो, तारीफ करो जोर से, तारीफ करो खुदा की। आमीन। मैं सिर्फ यही चीज बता रहा हूं, अगर मैं प्रार्थना के बारे में आपको आकर्षित कर रहा हूं, क्योंकि जो समाज चल रहा है इंडिया में, जो समाज चल रहा है पूरे देशों में, राज्य राज्य में ये चीजें, ये चर्चा हो रही है, एक महामारी इस समय में आपको करना क्या है, सही प्रार्थना, सही रोजा। और जब मैं तीसरा भाग लेकर आऊंगा, तीसरे पॉइंट की मैं पावर बताऊंगा, तीसरे पॉइंट की पावर क्या है, जब इन चीजों को इन दिनों में करो आप सुरक्षित हैं, आपके रिलेटेड लोग सुरक्षित हैं, आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो वो सुरक्षित है। हालेलुया। लेकिन इन चीजों को सही करना है, सही नहीं करोगे सही नहीं होगा, या सही करोगे ट्रैक के ऊपर आगे करोगे तो सब कुछ सही चलेगा और आपकी मंजिल आपको दिखाई देगी और आपकी मंजिल पे आप पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर हम लाइट ऑन करते हैं उसको सही कनेक्शन ना मिला वो नहीं जलेगी, वो नुकसान।
संतान धारण कर, घर की सारी बिजली को क्या करने की बंद कर दिया, एक गलत कनेक्शन, एक गलत रीति के साथ जोड़ा गया कनेक्शन। तो सोचो आज तक आपके रोजों का उत्तर नहीं आया, आज तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, उसमें कुछ कमी है। आपने पढ़ना जरूर है इशाया 58 अध्याय का 6-10 तक परमेश्वर सच्चे रोजे को कैसे आपके ऊपर प्रकट कर रहे हैं, कैसे आपने रोजा रखा। हालेलुया, आपके द्वारा बहुत सारे लोग सच्चे रोजे में बचाए गए, बहुत से लोगों में आपके आपके ऊपर फेर प्रकट हो गए, बहुत से लोगों का वचन आपको मिलेगा जब आप उनके पास पहुंचोगे, उनके मन की बातें उनसे करोगे, जब प्रकट होगा उनके ऊपर जाहिर सी बात है, वो लोग चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, चाहे आपका खुद का परिवार है, आपके खुद के भाई बहन है, चाहे आपका खुद का नगर है, जब आप सच्चा भेद उनके पास लेकर जाओगे, वो बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, आजाद किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। सही प्रेम और सही रोजा रिजल्ट आएगा, नतीजा आपको मिलेगा। अगर ये आप नहीं कर रहे, आपके पास कोई नतीजा नहीं है, आज तक नतीजा मांगते आ रहे हैं अपनी प्रेयर को और अपने फास्टिंग को, क्या करें सही करें। और तीसरा भाग जो मैं लिख रहा हूँ, वचन की पावर क्या है, जो बाइबल आपके पास है उसकी पावर क्या है। उनको इकट्ठे को हम जब अपलोड करेंगे, सर्वर को निकाल के यूट्यूब के ऊपर आप हम अपलोड करेंगे, इनके नंबर लेकर आपने पूरे ध्यान से सुने इन चीजों को, वचन भी आपको आगे लेकर चलना है। और बाइबल बताती है प्रभु के जो सेव काय थे संपूर्ण। हालेलुया। प्रभु ने प्रभावशाली हर जगह दे उन्होंने मिरेकल करने का मौका मिला, वो थे भी प्रभाव पाया, उन्होंने वचन सुनाया मिला मौका, वो थे भी की पाया प्रभाव पाया। आया ना। हालेलुया। आप प्रभावशाली बांधे किसी प्रभाव छाड़ते हो जो जो एक और सच्चाई रहा था, ये चीज़ तो तुझे कर दिया पूरा ट्रैक लेके। आमीन। क्या क्या चाहिए हमारी जिंदगी में सही उत्पन्न होती है, पहली बात हमारी जिंदगी में सही कंट्रोल आता है, दूसरी बात हमें प्रार्थना की और खींचता है पास, तीसरी बात हमें प्रभु के साथ रिलेशनशिप में लेकर आता है, और चौथी बात हम बहुत समय प्रभु में गुजारते हैं, और पांचवी बात जो सीख रहे हमारे मकसद को हमारी सेवा को कंप्लीट करते हैं। आमीन। हमारी आंखों को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, हालेलुया, हम पूरा देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हालेलुया। जब हम संसारिक बातें नहीं सुनेंगे, संसारिक लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि रोजा तो हमें प्रेम की ओर लेकर जा रहा है, रोजा तो हमें रिलेशनशिप में रख रहा है, जब हम चीजों से हम अलग किए जाएंगे, ऐसी बात है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हमारी नजरों के सामने आएगा, हमें प्रभु दिखाई देगा, प्रभु के दूत दिखाई देंगे, हमारा मकसद पूरा होता हमें दिखाई देगा, हमारी सेवा हमें अच्छी रीति के साथ चलती हुई दिखाई देगी। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आज ये वचन समझ आ रहा है तो हमें सही फास्टिंग करना है, अपने लोगों को दिखाना है सिर्फ परमेश्वर आपका मेहनत दिया है। जर क्या मामूली होता है ना, नाते में वाल खिले हुए और मुंह तिल्ला सुटिया हुआ है, और जो तर लोग कुछ देख के कर रहे हैं रोजा रखे आए हैं, लोग ताल फाल लिए हैं, प्रभु को फाल लिए उम्मीद है, जो रोजा रखो किसे तो तेरे दाही ना हुआ,
ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਸ਼ ਦਿਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ! ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਜਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਗਾ, ਸਹੀ ਫਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅੰਬਰੇਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਰਾਤਿਨ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਪਨੇ ਆਪ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਬੋਲੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਮੇ ਜਾਏ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਤਬ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਜਬ ਤੱਕ ਉਸ ਮੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਤਬ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਉਸ ਮੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਆਕਰ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ! ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਹਮ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੇ ਸਾਥ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਰੱਖੇ ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਬੋਲ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਸੇ ਮਿਲ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਅਰ ਜਬ ਖੋਲੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਤਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਆਪਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਆਪਕੋ ਬਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਾ ਆਪਕੋ ਸ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ! 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ! ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਰੋਕਣਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਤਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਸਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਪ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸੁਣਾਏਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਏਗੇ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਜਾਏਗੇ, 5 ਦਿਨ ਜਾਏਗੇ, 1 ਦਿਨ ਜਾਏਗੇ, ਭਟਕ ਜਾਏਗੇ। ਆਪ ਜੇ ਬੋਲੋ ਆਪ ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਉਨਕੋ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਯਾ ਉਨਕੋ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੇ ਆਜ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਯਾ ਬੋਲੋ ਆਜ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਖੁਦਾ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ! ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇ ਲੇਕਰ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਕੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੈ।
आमीन। अगर समझ आ गया अपने हाथों को उठाओ, क्या से मैं सच्चा बोला प्रभु से, प्रभु के सामने लेकर जाऊंगा, प्रभु को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को दुखी करने के लिए नहीं, क्रोध में नहीं, झगड़ों में नहीं, लोगों के साथ में टाइम पास नहीं करूंगा रोजे में। रोजा मेरी जिंदगी में ये चीजें उत्पन्न करे, मैं प्रभु के करीब जाऊं, मैं कंट्रोल वाली लाइफ जीऊं, मैं जुड़ जाऊं प्रभु के साथ, अच्छा संबंध रखूं, सही सही समा गुजारूं प्रभु के साथ, बेस्ट समा दे सकूं। अपने हाथों को उठाओ, दो मिनट के लिए खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, प्रे करो पॉइंट आउट करो। और तेरे कॉलेज में क्या आप अपने देश के लिए राजा
पिता मसीह प्यार करते हो, अगर हम लोग रूहों को बचाना चाहते हो तो आज उनके प्रेम की जरूरत है, आपने फास्टिंग प्रेम भेजा है, आपने हाथों को उठाओ, वर्षों में जाएंगे हम, आपने हाथों को उठाओ का उठाओ I'm
शीट को चलाए, डॉक्टरों के लिए प्रेयर करो, समझ और बुद्धि के साथ ये काम कर सके, पूरे स्टाफ को परमेश्वर के हाथों में दो, सरकार को चलाने वालों को परमेश्वर के हाथों में दो, परमेश्वर की दया पंजाब के ऊपर, इंडिया के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन, आपके परिवारों के ऊपर, आपके मोहल्ले के ऊपर, आपके नगर के ऊपर, आपके शहर के ऊपर प्रभु की दया हो, और प्रभु के ब्लड में आपको कवर करता हूं। आमीन। उज्जवल लंबा, ये आशीष आपके लिए, ये आशीष आपके लिए मैं कह रहा हूं। हाथों को उठा दो, आमीन बोलो उच्च आवाज में। अनुग्रह हो प्रभु का आपके ऊपर, यीशु मसीह के नाम में, पंजाब के ऊपर, इंडिया के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। हर एक देश के ऊपर, देशों की गवर्नमेंट के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो। अपने हाथों को उठाते पूरे देश के लिए प्रेर करो, देश देश के लोगों के लिए प्रेर करो, राज्य राज्य के लोगों के लिए प्रेर करो। हर एक घर आपकी प्रेर में को सुनाई देनी चाहिए। प्रभु ब्लेस करे हर एक बिजनेस मैन को जो इस टाइम गिरावट में है, जो लॉकडाउन की वजह से घबराया हुआ है। परमेश्वर तेरे संग रहे, परमेश्वर तेरे संग रहे, तेरे परिवार के संग रहे, और रास्ता खुले हर एक बिजनेस मैन के लिए, हर एक कर्मचारी के लिए। रास्ता खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में, रास्ता ओपन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। आपके बिजनेस को, आपके कामों को, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को प्रभु के ब्लड में कवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, प्रभु के लहू में छिपाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। वो छुड़ाए आपको, वो आजाद करे आपको, वो हील करे आपको, हर तरह की बीमारी आपको छू ना पाए, कोरोना वायरस आपको छू ना पाए, वो आपके लिए नहीं बनाया गया यीशु मसीह के नाम में, वो आपके लिए नहीं आया यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। जो विश्वास करता है आज के दिन, ये बीमारियां मेरे लिए नहीं बनाई गई, ये महामारी मेरे लिए नहीं आई, आपके विश्वास के मुताबिक आपके परिवार के साथ और आपके साथ हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उज्जवल लंबा, ये आशीष आपकी है। मैं कह रहा हूं कैसा आपका विश्वास है, मैं कह रहा हूं हो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, आप सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में, आप सुरक्षित हो Thank you.
आजाद हो जाऊं, प्रभु आपको आजाद करे, प्रभुवचन आपको आजाद करे, ईश्वर के नाम के नाम में जो पीड़ा में तो तत्त्व हो जो आजाद हो ईश्वर के नाम में, आपके घर में जो भी बीमार है हाथ उठाओ, आपके घर पे जो भी बीमार है अपने हाथों को उठाओ, किया आजाद लेकर प्रेरित करो, वो इसी हाथ में आजाद हो रहा है, इसी हाथ में परमेश्वर ने हील कर रहा है, इसी हाथ में वो हील हो रहा है, इसी हाथ में वो हील हो रहा है, ईश्वर के नाम में, ये हाथ आपके पीछे पैर उठा है, ये आप एक हाथ है आपके छुटका रही है, प्रार्थना में बढ़िया
की फिक्र कर रहे होंगे कि ये पाप में नाश ना हो जाए। आप फास्टिंग प्रेयर में जाओगे तो आप अपने देश की मदद करोगे और प्रभु आपकी प्रार्थना आपके रोजे को लेकर आपके द्वारा दूसरे लोग भी पहुंचाए जाए।